नमस्कार, इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं नेशनल हाईवे से, करनाल के नेशनल हाईवे से, जहां पर आप लोग देख सकते हैं बीच हाईवे पर एक ट्रक जो है गन्ने से भरा हुआ ट्रक पलट जाता है, जिसमें कि जो चेसी यानी कि बॉडी है वो ही अलग हो जाती है और वो पलट जाती है। इसके बाद ड्राइवर जो कि फिलहाल, जैसा कि लोगों ने बताया कि उन्हें चोटें भी आई हैं, पुलिस मौके पर मौजूद है, हाईवे पर जाम की स्थिति बनती नजर आ रही है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं तीनों रोज जो है, तीनों लेन्स जो है वो यहाँ पर ब्लॉक होती हुई नजर आ रही है। हाईवे के बीचों बीच गन्ने से भरा हुआ एक ट्रक जो है वो पलट जाता है, जिसकी बॉडी आप देख सकते हैं कि वो अलग हो चुकी है, चेसी अलग हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं टायर बिल्कुल सीधे यहाँ पर खड़े हुए हैं, केवल एक टायर इस ट्रक का फटा और उसके बाद पूरी की पूरी चेसी यहाँ पर पलट गई, जिसके बाद ड्राइवर भी चोटिल हुआ है, ऐसा लोगों द्वारा बताया गया है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन आप लोगों से लगातार यही अपील रहेगी, इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ पर चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जाने वाला जो हाईवे है वो यहाँ पर ब्लॉक हो गया है, क्योंकि हाईवे के बीचों बीच गन्ने से भरा हुआ ये ट्रक यहाँ पर पलट चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टायर फटने की वजह से एक ट्रक जो है उसका बैलेंस बिगड़ता है और चेसी पूरी अलग यानी कि बॉडी पूरी अलग होकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पलट चुकी है। जो ड्राइवर है वो भी मौके पर मौजूद है, पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है, लगातार ये लाइव तस्वीरें हम लोग आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर दिखा रहे हैं। ड्राइवर सर, आप चला रहे थे ये ट्रक, कैसे पलटा है ये टायर पट गया अगला। आप सुरक्षित है? हाँ। तो चेसी अलग हो गई है ट्रक से? चेसी अलग हो गई है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? करनाल मिल। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? करनाल मिल। कहाँ से? कलसोरा। नहीं, अकेला था। तो आप देख सकते हैं जो ड्राइवर थे ट्रक के वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे और जैसा कि उन्होंने बताया कि शुगर मिल जो है ये जा रहे थे और अचानक से जब ट्रक का टायर फट जाता है उसके बाद चेसी जो कि ट्रक से अलग हो जाती है, टायर की तस्वीरें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पूरी की पूरी बॉडी जो है वो यहाँ से नीचे पलट चुकी है और टायर्स बिल्कुल सीधे खड़े, पुलिस की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है, क्रेन को मौके पर बुलाया गया है ताकि जल्द से जल्द जो ट्रक है उसको यहाँ से हटाया जा सके, क्योंकि नेशनल हाईवे यहाँ पर जाम होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार लाइव तस्वीरें आप लोग करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर देख रहे हैं, आप लोगों से बार बार अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को शेयर भी जरूर कीजिएगा। जो जांच अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे भी हम लोग आगे बातचीत करेंगे, फिलहाल रूट को जो सर्विस लेन है वहां से डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि गाड़ियां वहां से निकल जरूर सके और तीनों लेन यहां पर ब्लॉक होती हुई नजर आई, जैसा कि आप लोग खुद भी देख सकते हैं किस तरीके से गन्नों से भरा हुआ ट्रक जो कि करनाल की शुगर मिल पे जा रहा था और वो अचानक से टायर फटने की वजह से पलट जाता है, जिसके बाद हालांकि गनीमत यही रही कि जो ड्राइवर इस ट्रक में थे जो कि चला रहे थे वे सुरक्षित हैं, उन्हें ज्यादा चोटें जो हैं वो नहीं आई हैं, वे सुरक्षित हैं, गनीमत यही रही है। लेकिन कोई और बड़ा हादसा भी यहाँ पर हो सकता था, क्योंकि आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं अगर इस ट्रक की साइड पर कोई और गाड़ी होती तो ना जाने कितना बड़ा सड़क हादसा यहाँ पर हो जाता। हालांकि गनीमत यही रही कि लोग जो ट्रक में यानी कि जो ड्राइवर थे वे सुरक्षित हैं, पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची है, क्रेन को मौके पर बुलाया गया है ताकि जल्द से जल्द ट्रक को यहाँ से हटाया जा सके और जो यातायात है उसे एक बार फिर से खुलवाया जा सके। जो जांच अधिकारी हैं उनसे भी हम लोग एक बार बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या जानकारी मिली थी, कैसे हुआ यह हादसा? फोन आया था भाई, इस तरह ट्रक पलट गया, तो यहाँ आगे देखे वो ड्राइवर तो ठीक ठाक है, वैसे इसको अपना सड़क को खाली करा दें, करान मंगा लिया। कहाँ से कहाँ जा रहा था सर ट्रक? ये शुगर मिल में जा रहा था। टायर फटने की वजह से हुआ? हाँ, टायर फटने की वजह से बता रहे हैं ड्राइवर। एक सिर्फ ड्राइवर ही था या कोई और? ड्राइवर ही था एक ही। वो सुरक्षित है? हाँ ठीक है, वो निकाल लिया, ठीक ठाक है ड्राइवर। तो ये आपने देखा, करमबीर सिंह जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे और जैसा कि उन्होंने भी बताया, हालांकि जो ड्राइवर ट्रक में थे यानी कि जो ट्रक चला रहे थे वे सुरक्षित हैं, अचानक से जब ट्रक का टायर फटता है उसके बाद ट्रक की जो बॉडी है जो चेसी है वो अलग हो जाती है, पलट जाती है और आप लोग ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं।
अपील आप लोगों से यही रहेगी, तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ये हैं वो ड्राइवर जो कि ट्रक चला रहे थे, जो कि फिलहाल गनीमत यही रही कि सुरक्षित हैं। करनाल की शुगर मिल में ये गन्नों से भरा हुआ ट्रक जो है वो जा रहा था, क्रेन को मौके पर बुलाया गया है और क्रेन की मदद से जो ट्रक है वो तुरंत यहाँ से हटाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो यातायात है वो ज़्यादा प्रभावित ना हो। ये लगातार लाइव तस्वीरें आप लोग करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पर इस समय देख रहे हैं और आप लोगों से बार बार अपील है क्योंकि कहीं ना कहीं स्पीड जो है वो बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं इस तरीके के सड़क हादसों में। हमें स्पीड का ध्यान रखना है जब भी हम लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। इस समय अगर हम इस हादसे की बात करें, ट्रक का टायर फटा और उसके बाद अचानक से संतुलन जो है वो ट्रक का बिगड़ गया, जिसके बाद चेसी ट्रक की यानी कि बॉडी ट्रक की अलग हो गई और टायर्स खड़े के खड़े रह गए। आप लोग इस समय देख सकते हैं ट्रक को यहाँ से लेकर जाया जा रहा है, क्रेन की मदद से यहाँ से हटाया जा रहा है और वही बॉडी की अगर हम बात करें उसको भी यहाँ से जल्द हटाया जाएगा। गन्नों से भरा हुआ ट्रक करनाल के दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर पलट जाता है टायर फटने की वजह से, जो कि कलसोरा गांव से करनाल शुगर मिल की तरफ जा रहा था और अचानक से टायर फटने के बाद ट्रक पलट जाता है, जिसमें कि ड्राइवर फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। गनीमत यही रही कि ड्राइवर जो है वो सुरक्षित है। आगे का टायर फटने की वजह से यानी कि जो फ्रंट टायर है वो फटने की वजह से ये ट्रक जो है वो पलट गया, जिसमें कि सिर्फ एक ही शख्स जो कि ड्राइवर है वो सवार थे, जो कि फिलहाल सुरक्षित हैं। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लाइव तस्वीरें और अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को शेयर कीजिए और अगर आप लोग सड़कों पर उतर रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्पीड का ध्यान हम लोगों ने ज़रूर रखना है। आप लोग देख सकते हैं पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है और ट्रक को भी यहाँ से जल्द हटाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं ये वो चेसी है यानी कि बॉडी है जो कि, तो आप देख सकते हैं ये वो बॉडी है जो कि चेसी के ऊपर लगी होती है, यानी कि ट्रक की चेसी अलग होने के बाद, टायर फटने के बाद चेसी और बॉडी अलग हो जाती है और बॉडी यहाँ पर पलट जाती है। और भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। गनीमत यही रही है कि सभी लोग जो हैं वो सुरक्षित हैं, जो आसपास गाड़ी में जा रहे थे या फिर वो ड्राइवर जो कि इस ट्रक को चला रहे थे वे भी सुरक्षित हैं। गन्नों से भरा हुआ ये ट्रक था जो कि करनाल की शुगर मिल की तरफ जो है जा रहा था। अगर इस तरफ कोई और व्हीकल होता तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा सड़क हादसा यहाँ पर हो सकता था। ये लगातार लाइव तस्वीरें आप लोग करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पर देख रहे हैं, करनाल के दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे से, जहाँ पर चंडीगढ़ की तरफ से एक ट्रक आ रहा था यानी कि कलसोरा गाँव से जो है करनाल की शुगर मिल की तरफ ये ट्रक जा रहा था और अचानक से अगला टायर जो है ट्रक का वो फट जाता है। गन्नों से भरा हुआ ये ट्रक था। हालांकि पीछे अगर हम बात करें तो फिलहाल लंबा जाम यहां पर लगता हुआ नज़र ज़रूर आ रहा है। ट्रैफिक का जो रूट है वो डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि जो यातायात है उस पर ज़्यादा असर ना पड़े, लेकिन फिलहाल आप लोग देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो दूसरे ट्रक ड्राइवर्स हैं वो भी यहाँ पर इंतज़ार करने के लिए तैयार नहीं है कि दो मिनट अगर वो यहाँ पर वेट करेंगे तो कहीं ना कहीं उससे ट्रैफिक जल्दी खुल सकता है। ये एक पेशेंस लेवल भी हम लोगों को अपने अंदर जो है लेकर आने की ज़रूरत ज़रूर है। सुबह भी हम लोगों ने आपको तस्वीरों में दिखाया था एक इकोस्पोर्ट गाड़ी का और एक होंडा गाड़ी की जब आपस में टक्कर हुई थी और स्पीड जो है उसमें भी एक मुख्य कारण ज़रूर था उस टक्कर में, क्योंकि अचानक से रोड जो कि खुद यानी कि ठीक करने के लिए रोड को जो है वहाँ पर खुर्चा गया था ताकि रोड को ठीक किया जा सके, स्मूथ किया जा सके, लेकिन ऐसे में लोग जो कि पीछे से आते हैं वो स्पीड धीरे करते हैं और ऐसे में ही पीछे से जो स्पीड पे गाड़ी आ रही होती है उनकी वजह से हादसे हो जाते हैं। हालांकि इस सड़क हादसे की अगर हम बात करें तो इसमें ट्रक का टायर फटा और उसके बाद जो चेसी है वो बॉडी से अलग हो गई, जिसके बाद हालांकि जो ड्राइवर ट्रक में मौजूद थे वे सुरक्षित हैं। ट्रक को यहाँ से हटाने का प्रयास लगातार जारी है। तो आप लोग ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, गन्ने से भरा हुआ ये ट्रक जो कि करनाल के दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर हाईवे के बीचों बीच पलट गया, जिसके बाद ट्रैफिक पर असर ज़रूर हुआ, जाम ज़रूर हाईवे पर लगता हुआ नज़र आया। पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची, ट्रैफिक पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची,
ट्रक को हटाने का प्रयास लगातार जारी है। जो चेसी है उसको यहाँ से हटाया गया है ताकि एक एक जो लेन है उसको कम से कम यहाँ पर खुलवाया जा सके। इस समय आप लोग ट्रक की बॉडी की तस्वीरें देख रहे हैं जो कि पूरे तरीके से चेसी से अलग हो चुकी है। ड्राइवर इसके अंदर मौजूद थे जो फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं और जल्द से जल्द यहाँ से इसको हटाने का प्रयास लगातार जारी है। क्रेन मौके पर मौजूद है, चेसी को हटा लिया गया है। एक बार फिर से हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और अगर आप लोग सड़कों पर उतर रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्पीड का ध्यान हम लोगों ने ज़रूर रखना है ताकि हम लोग कोई भी ऐसे सड़क हादसे का शिकार जो है ना बने। शायद दो मिनट की देरी हमारी खुद की ज़िंदगी से बड़ी नहीं हो सकती, हमारी ज़िंदगी ज़्यादा बड़ी, और ऐसे में अगर हमें थोड़ी देरी होती है, हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है तो वो जायज़ सी बात है कि वो करना बेहतर है। हालांकि इस हादसे में स्पीड कहीं ना कहीं शायद एक फैक्टर नहीं रहा, लेकिन इसके अलावा सुबह भी जिस तरीके से हमने तस्वीरें दिखाई स्पीड बहुत बड़ा फैक्टर था सड़क हादसे का। और इसमें भी हालांकि टायर फटने की वजह से यह हादसा हुआ, जिसमें कि गनीमत यही रही कि लोग कोई भी जो है इसमें इस गाड़ी के आसपास नहीं थे और ट्रक के अंदर एक ही शख्स यानी कि जो ड्राइवर है वो मौजूद थे, जिनको मौके से जैसा कि ड्राइवर ने खुद भी बताया, लोगों ने भी बताया कि वे सुरक्षित हैं। क्रेन मौके पर मौजूद है, इस ट्रक को भी यहाँ से जल्द जाने का प्रयास जो है लगातार जारी है। एक बार फिर से हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। उर्वशी चावला, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।